मंडला में कितना विकास देखते हैं आप लोग, क्योंकि बस स्टैंड पर आपकी सबसे प्रमुख जगह वो दुकान है, विकास हुआ है जैसे बाकी जगहों पर हुआ है? जो दावा नहीं, विकास तो बराबर परस्पर हुआ है, जो पहले मतलब जो 2014 से पहले जो था उससे जो अब विकास हुआ है बहुत अच्छा विकास हुआ है, और ऐसे मतलब सरकार बनी रहेगी तो विकास होता रहेगा। तो अब फिर चुनाव हो रहा है तो क्या लग रहा है मंडला की जनता क्या सोच रही है, किस तरफ बढ़ने की सोच रही है और क्या होना चाहिए? अब व्यापार के लिहाज से क्या लगता है? व्यापार में सबके लिए मतलब जो नियम और नीति निकली है वो सही निकली है, मतलब बेरोजगार है उनको, मतलब जो ठेला वाले हाथ ठेला वालों उनको भी रोजगार मिला है, और जो जैसे मतलब गाड़ी वाले उनको भी बराबर मिला है, जो सरकार है वो अच्छा काम की है। अभी तो बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात आप कर रहे हैं, तो उन सब का फायदा मंडला के लोगों को मिल रहा है क्या? मंडला के लोगों को तो मिल तो रहा है, वैसे मतलब पिछड़ा इलाका है फिर भी उस हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ मतलब जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है, विकास भी हो रहा है। पहले जो था पहले लाइट बिजली पानी समस्या थी, अब वैसे समस्या नहीं हो रही यहाँ पर। अब 2014 पहले वो समस्या होती थी, अब नहीं हो रही वो समस्या। वैसे क्या लगता है कुलस्ते साहब मजबूत उम्मीदवार हैं या फिर ओमकार जी? अभी तो खैर कुलस्ते ही चल रहे हैं, मतलब बीजेपी मतलब जो वोट बैंक है वो तो बीजेपी में जाएगा वो तो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि आदिवासी मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में हैं, खास करके उनका भी एक अलग मुद्दा रहता है, तो क्या उनके अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ वहाँ पर उस तरह से विकास दिखता है क्या? नहीं, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो यहाँ पे आदिवासी मतलब रहता है वहाँ पे। अब जो बहुल क्षेत्र में डिंडोरी हो गया, अपना मंडला हो गया, यहाँ पूरा आदिवासी क्षेत्र है तो वोट बैंक वही मतलब वही रहे वहाँ पे। काम हुआ है गाँव वाँव में? काम अब अब गांव में बहुत सारी मतलब जो स्कीम निकली हैं तो वो वहाँ भी पहुँच रही हैं, सड़क पहुँच गई, पानी पहुँच गया, बिजली पहुँच गई, सब मतलब अभी ये जो 2014 के बाद बराबर पहुँची हैं, वहाँ पर पहुँची हैं। ठीक है, धन्यवाद विक्की, देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये पूरी बात कर रहे थे। आपका नाम क्या है सर? राहुल। आप यहीं के रहने वाले हैं ना मंडला के? क्या मंडला के मुद्दे क्या हैं? अब चुनाव है, चर्चा करते होंगे आप लोग, क्या मुद्दे, किन मुद्दों के बारे में? मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगा, यहाँ जो दिव्यांगों के लिए देखा जाए तो मेन दिव्यांगों की कहा जाए भारत सरकार का दिव्यांगजन पेंशन चालू कर दी, कई लोगों को ग्रामीण सभा में पेंशन नहीं मिल रही है, उनको आजीविका का कोई साधन नहीं है। स्वरोजगार के लिए देखा जाए या उद्योग खुद का रोजगार खोलना या उद्योग खोलना हो तो उसके संबंध में भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन केंद्र सरकार तो कहती है कि बहुत सारी हम योजनाएं चला रहे हैं स्वरोजगार के लिए, मुद्रा योजना चला रहे हैं ताकि अपना लोन लेकर आप व्यापार शुरू कर सके, तो उसका उसके बारे में यहाँ लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही। कहने से क्या है, गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमें इतना टारगेट भी दे रही है कि इतने लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ये कौन देखेगा? ये तो गवर्नमेंट को तय करना चाहिए ना। उद्योग ऑफिस जाए या कहीं जाए तो कहते हैं इतना स्कीम है, ये क्राइटेरिया है, लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो तो भटक रहे हैं आज भी कई लोग। मुझे एक बात बताइए, यहाँ का विकास मंडला शहर का और ग्रामीण इलाकों का क्या वैसे ही हो रहा है या अभी वो धीरे है या यहाँ पर विकास तो देखा जाए मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों को यदि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल रहा है तो मंडला में लगी रही इंडस्ट्रीज का क्या मतलब? जबलपुर से 35 किलोमीटर पे आप मंडला जिले के नाम पे इंडस्ट्री लगा रहे हो, लोकल मंडला के कितने लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है ये गवर्नमेंट बताए? मुझे तो नहीं दिख रहा, मैं तो खुद वहाँ विजिट कर रहा हूँ। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई हैं, खास करके अभी 10 साल की अगर मैं बात करूँ, कुछ काम हुआ है? इंडस्ट्रीज काफी हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इंडस्ट्री तो कई जगह, मैं पन्ना से हूँ, गुनौर में जेके सीमेंट की फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे कितने स्थानीय पन्ना के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला ये गवर्नमेंट आज भी नहीं बता पा रही है। ये तो जीतू पटवारी ने भी सवाल उठाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।